वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? एक्चुअली मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ। एक्चुअली केक बना रहा था, आई वॉज मेकिंग रसमलाई, रबड़ी एंड गुलाब जामुन केक। इन तीनों चीज़ों को मिला के मैं एक केक बना रहा था। वेल इट्स वेरी अर्ली मॉर्निंग ओवर हियर, सो विश यू ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। वेदर इज वेरी नाइस, बाहर बारिश हो रही है। इट्स चिली, सुबह के 5:30 बज चुके हैं एंड आई एम ट्राइंग टू मेक अ बर्थडे केक। मैंने कहा चलो एक बार आपके साथ बातें करते करते केक बना लूं। सो आप देख सकते हैं ये जो मैंने केक बना लिया, सो आई हैव लेयर्ड विथ फ्लेवर्ड क्रीम विथ रबड़ी मिल्क मसाला एंड उसको मैंने हॉरिजॉन्टली कट करके सारा स्टफिंग उसके अंदर भर दिया, सारा ऑल द फ्लेवर्ड क्रीम। एंड देन मैंने उसके अंदर रबड़ी के पीसेस भी डाले हैं और एक लेयर में मैंने गुलाब जामुन के पीसेस भी डाले हैं। तो ये बन चुका है केक, तो मैंने सेट करने के लिए रखा था इसको, बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। आई होप आपको उसका कलर, फिनिशिंग, टेक्सचर दिखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा होगा। आई होप आई एम राइट। चलो तो जल्दी से मैं इसको डेकोरेट कर लेता हूँ, थोड़े से फ्लावर्स बना दूंगा इसके ऊपर। सिंपल केक है, ज्यादा केक को डेकोरेट नहीं करेंगे, ओवर गार्निशिंग नहीं करेंगे, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट लेस इज मोर। एंड चलो मैं फ्लावर्स बना लेता हूँ। मैंने कहा चलो लाइव जाने से पहले छोटा सा वीडियो बना लूँ एंड देन आई विल शेयर इट ऑन फेसबुक। सो आई विल जस्ट ट्राई टू मेक सम फ्लावर्स फर्स्ट। इसको पाइप आउट करते ई शेप में पाइप आउट करना है आपको, लाइक इट शुड बी द स्मॉल अल्फाबेट ई। ओके सो लेट मी डू दैट। And then I also have some white cream with me. White cream से मैं छोटे छोटे roses बनाऊंगा, यहाँ पे छोटे छोटे flowers बनाऊंगा। अच्छा लगता है किसी के साथ बातें करते करते काम करना, टाइम भी बहुत अच्छा जाता है एंड यू ऑल्सो हैव गुड प्रोडक्ट्स, सो आई एम ऑलवेज हैप्पी विद दैट। इसलिए मैं हमेशा लाइव आता हूँ, कुछ भी ऑर्डर्स होते हैं तो I can share my ideas, my recipes with you. I hope it's looking good. अभी आप इसको बीच में देख सकते हैं, इसको मैंने एक सर्कल बना लिया छोटा सा, एक मैंने स्टेंसिल के हेल्प से आई मेड अ नाइस सर्कल। आई एम गोइंग टू जस्ट यू नो पाइप आउट सम ड्रॉप of whipped cream using this like white cream and the nozzle number is Noor 5. So this small star nozzle, main aapko dikha rahi hu, just wipe off the cream and I'll show you. See, this is the small star nozzle that I'm using and uske baad I'm using the regular one jo hamesha mere paas rehta hai and it's Noor N1. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये है करके, सो आई एम यूजिंग दीज टू नोजल्स। ओके एंड मेक अ नाइस सर्कल, सो दैट इस सर्कल में मैं रबड़ी ऐड कर दूंगा, आई एम गोना ऐड रबड़ी इन दिस थिंग। एंड ये बीच में जो गैप है, ये जो मैंने कल रात को रसमलाई बनाई थी, दिस इज होम मेड रसमलाई। ओके सो आई हैव मेड दैट एंड आई हैव ऑल्सो मेड गुलाब जामुन लास्ट नाइट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डेकोरेट विद दैट। फर्स्ट आई कंप्लीट द आइसिंग, I will set it for nearly 2 hours more. Okay, so ये बना के then I will get back to you on social media. I'll upload the cake pictures and of course I'll upload the reviews. So I'll just put some nice small stars away so that rubbery won't flow out. उसको एक boundary की तरह बना रहे हैं हम लोग। मेक श्योर दैट बाकी जो ये बना रहे हो बहुत नजदीक है एक, लेकिन इट्स वेरी नेक्स्ट टू ईच अदर। सी इजी पीजी एंड लेमन स्क्वीजी, सो आई हैव सम रबड़ी विद मी। मैंने रबड़ी में
कोई भी कलर नहीं ऐड किया है, सो इट्स लाइक नेचुरल मिल्क कलर ऑफ द रबड़ी एंड द नेचुरल थिक मिल्क. Okay, so now you will see. I'm going to add this like nice thick rubbery into it. Okay. उसको spread करना है ठीक तरह से. Oh, guess what? Lot of rains and no power, no light. Light चली गई. कोई बात नहीं. So ये केक तो ऑलरेडी हो चुका है. ये जाएगा 2 घंटे के लिए फ्रिज में. ओके, सो आई होप आप देख पा रहे हो उसको. यस यू कैन. और ये आ गई दूसरी लाइट. ओके, तो मैं इसको सेट करूंगा अभी 2 घंटे तक एंड आई गेट बैक टू यू विथ ऑल द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग. Thank you for watching early morning and thank you for showing me so much of love. You guys have a great time and don't forget to like, comment and subscribe my channel Mystic Foods. It's available on YouTube, Facebook and Instagram, and hurry up, order your yummy cakes. You can contact me on Facebook, on WhatsApp or Instagram, any social media. I'm always available for you guys. Thank you so much. Have a great time. Bye bye. Have a great morning. Bye.